हरे कृष्णा। आपका श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज में स्वागत है। आज और एक हम प्रभुपाद की लीला देखेंगे। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में जब थे तो वहाँ के एम्बेसी दूतावास जो होता है वहाँ पे गए थे। कुछ उनको काम था वीज़ा का, तो श्रील प्रभुपाद और उनके साथ कुछ भक्त गए थे एम्बेसी में, उधर US एम्बेसी। तो जब श्रील प्रभुपाद वहाँ पे गए सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, तो वो डॉक्यूमेंट्स सब दिखाए, उधर एक स्त्री बैठी थी, लेडी बैठी थी, जिन्होंने वो सब डॉक्यूमेंट्स देके सब पास किया, अप्रूव किया। और सब काम होने के बाद वो स्त्री श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछती है, क्योंकि उसने देखा श्रील प्रभुपाद जो एक धार्मिक व्यक्ति है, तिलक धोती कुर्ता पहना है। तो नेचुरली उनके मन में ये प्रश्न आया और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो उस स्त्री ने पूछा कि ये इट मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस होल डे, इजंट इट। ऐसा उस स्त्री ने पूछा कि पूरा दिन कृष्ण भावना भावित रहना बहुत मुश्किल होगा, है क्या नहीं, कि पूरा दिन कृष्ण भावना भावित रहना, कृष्णा के बारे में सोचना मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि हम दैनंदिन कार्य करते रहते हैं, उसमें कृष्ण भावना भावित रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसा उस स्त्री ने श्रील प्रभुपाद से पूछा। तो श्रील प्रभुपाद बोले, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद ने उस स्त्री से कहा, जस्ट लाइक व्हेन यू आर वर्किंग हियर होल डे, doing all your work in the embassy, all the time you are doing work, but in the back of your mind you are always conscious of your makeup. कि आप दिन भर यहाँ पे काम करती हो, यहाँ पे embassy में आपका जो अलग अलग प्रकार के कार्य रहते हैं वो कार्य करते हैं आप, लेकिन उसी समय आपके मन में ये भी विचार रहता है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा मेकअप ठीक है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो पूरा दिन आप ये मेकअप के बारे में भी सोचते हो, एक बैक ऑफ द माइंड में आपका ये मन में ये भी सोच रही थी कि मेरा मेकअप ठीक है ना, कार्य तो चल रहा है, लेकिन यू आर अवेयर ऑफ योर मेकअप होल डे। तो वो स्त्री ने बोला, हाँ ये तो सच है। तो प्रभुपाद बोले, इसी तरह कृष्ण भावना भावित रहना बहुत आसान है, हम हमारे दैनंदिन कार्य करते रहते हैं लेकिन हमेशा भगवान के बारे में चिंता करते रहते हैं, ये सब कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हमारे मन में सतत रहता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। कृष्ण भावना भावित रहना, टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस होल डे इज वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो फिर उस स्त्री को समझ में आया। तो इस लीला से प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित रहना बहुत कुछ ऐसा पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रभुपाद कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कॉमन सेंस, कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते रहना है, सिर्फ किसके लिए करना है, वो भगवान के लिए करना है, ये हमेशा मन में रखना है। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, वो कार्य करते रहना है जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए करना है, हम पहले खुद के लिए करते थे लेकिन अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, ये कृष्ण भावना भावित रहना बहुत आसान है, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने उससे कहा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।